आई विल मेक श्योर टू नेवर हैव फ्रेंड्स हु आर मुस्लिम्स, बिलीव मी। अच्छा ना मैं उनके आई आसपास सी। रहना पसंद करती हूँ, ना मुझे उनकी दोस्ती अच्छी लगती है, और ना ही मुझे उनकी बातें अच्छी लगती है। आई जस्ट डोंट लाइक द वे हाउ दे आर। और उनकी एक जो वाइब क्रिएट होती है, वो कट्टरता की एक वाइब, मतलब वो देख के आपको दिख जाता है। अगर मतलब समझो, इफ आई एम गोइंग समवेयर, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल ऑफ द हॉरर दैट आई हैव इन माई माइंड, ओके। और यहाँ तक कि मेरे खुद के दोस्त बोलते हैं, कि यार ये फर्स्ट टाइम ऐसे देखा है कि कोई इंसान अपने ही कास्ट के लोगों से डर रहा है। हाँ वो नहीं समझ पाते ना, उनको सिर्फ जो मूवीज में दिख रहा है या न्यूज पे दिख रहा है या आप जैसे चैनल, जो बहुत कम है अभी के लिए, बट आई थिंक योर चैनल इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल वंस, लाइक द वंस विच रियली, मतलब यू कैन इमेजिन इफ आई एम बीइंग मी बीइंग अ पर्सन, यू कैन हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन आई माइट बी। सो यू इमेजिन आई एम टॉकिंग टू यू ऑन योर चैनल, सो व्हाट इफेक्ट इट हैज, डेफिनेटली इट हैज एन कैन आई इफेक्ट। इंटरप्ट यू, या कैन श्योर आई श्योर इंटरप्ट यू। अच्छा, ये जो आप श्योर कह रही थी ना कि जहरा जी, कि आप पसंद नहीं करती कि कोई आपका मुसलमान दोस्त हो, बी इट मेल और फीमेल। मैं यस आपको ये यस बताना चाहता हूं कि इट्स नॉट ओनली यू। ओके, आई आई गिव एन एग्जाम्पल। या अभी मैंने ये बात कई बार कही है कि हम जैसे लोगों को, जाहिर सी बात है कि हम मुस्लिम मेजोरिटी एरिया में नहीं रह सकते, तो कोशिश करनी राइट पड़ती है कि अब इतना कोई अमीर ज़ादे नहीं है कि किधर जो है ना, लोनावला में एक मस्त बंगला बना के बैठे बराबर, स्विमिंग कोई पूल रिमोट के। और आइसोलेटेड एरिया में, करेक्ट, आई एग्री, यस, तो रहना वो तो तो कर नहीं इसी सकते। सोसाइटी अभी एक ऑप्शन है रेंट का। अच्छा, अभी उसमें क्या होता है कि मुस्लिम मेजोरिटी जगह पे तो रह नहीं सकते, ढूंढना पड़ता है ऐसा एरिया जहां पे ये नहीं हो। अब वहां पे बिल्कुल लेकिन वो हमारा नाम देख के, जैसा ही नाम देखते हैं कि ये मुस्लिम है, वो रिजेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो अब वो जो रियल एस्टेट एजेंट्स होते हैं उनको भी पता होता है, वो जैसा नाम सुनते ना, वो उनका भी मूड खराब हो जाता है कि यार अच्छा खासा साहिल, तुम जो। कंप्लीट कर लो ये बात एंड आई विल रिवील हाँ टू यू अ वेरी एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, मतलब ठीक, बहुत हाँ हंसोगे तुम, बताना। बट यू कंप्लीट, आप कंप्लीट कर लो, हाँ, आप तो कंप्लीट अब कर वो लो। भी बेचारे रियल एस्टेट एजेंट भी बोलते हैं यार अच्छा खासा एक रेंट मिलता था, वो भी चले गया, कोई इसको देगा नहीं घर। अच्छा, लेकिन क्या होता है कि वो सोसाइटी में समझिए कि कोई मोमिन के भी घर है, तो एजेंट राइट बोलता है कि अच्छा ठीक है, काम करते तो कुछ मोमिन लोग के भी घर है, मैं आपको वो दिला देता हूँ। ठीक है, लेकिन उसमें वो लोग क्या बोलते हैं कई बार एजेंट लोग के भाई, अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो मोमिन लोग के घर है, कई बार जो उनके ओनर्स होते हैं वो भी उनको बोल के रखते हैं कि भाई किसी को भी दे देना, लेकिन मोमिन किसी को मत मेरा घर देना। राइट 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 वो बोलते आई हैं कि एग्री, मोमिन को मत, मोमिन लोग खुद बोलते हैं कि हमारा घर मोमिन लोग को मत देना, मोमिन को मत कोई देना, किसी को भी दे और मोमिन देना, चलेगा। लेकिन मुसलमान को मत देना। बहुत ऐसे एजुकेटेड मुसलमान हैं जिनके फ्लैट बहुत अच्छे, अपार्टमेंट्स बहुत अच्छे एरिया में रहते हैं, और वो लोग कुछ बिल्डिंग की भी, मतलब कुछ ऐसे रेगुलेशंस होते हैं कि वो बोर्ड ऑफ बिल्डिंग भी मतलब उनको ये एडवाइस करती है, और वो खुद भी यही प्रैक्टिस करते हैं। राइट राइट वो खुद ही नहीं चाहते हैं, वो कहते हैं कि नहीं भाई मत दो, क्योंकि उनको पता है कि इनको अगर दे दिए तो ये पूरे सोसाइटी का सत्यानाश कर देंगे। राइट वो खुद राइट ही नहीं आई चाहते कि एग्री, हमारा घर मोमिनों को मिले। तो आप इस दौड़ में अकेली नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं साहिल जो मैं मुसलमान तुमको होते हुए मेरी खुद अपनी मुसलमानों को पसंद नहीं करते। पर्सनल लाइफ का एक लिविंग एग्जांपल बताती हूँ, ओके। सो बेसिकली साहिल, माय फैमिली इज फ्रॉम एक्चुअली अच्छा, वी ओरिजिन, अगर 1 मिनट, आप बताने से पहले मैं एक चीज आपको बता दूं कि आप लाइव है और आपको पता है राइट, कि लाखों लोग सुनते हैं, और हो सकता है कि आपका क्लिप हम अलग से भी चला के डाले, तो नो नो कोई भी प्रॉब्लम साहिल, आई वुड मोर देन हैप्पी कि लोग इस चीज पे भी आए कि ये एक चीज या ये एक सेक्ट की जो कमी थी, यहां से भी कोई आके बोल रहा है, आई वुड बी मोर ठीक। देन हैप्पी। हाँ, या तो नो हाँ, प्रॉब्लम, बी केयरफुल, ओनली शेयर दोज डिटेल्स व्हिच विल नॉट या लीव यू इन एब्सोल्युटली, प्रॉफिट। नॉट नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, डोंट वरी, आई एम सेफ बाय ऑल मींस एंड एंड्स। या ठीक है, तो गो एक्चुअली अहेड। बात, या
बात ये साहिल कि एक्चुअली जो हमारा ओरिजिनेशन है एक्चुअली वी आर बेस्ड फ्रॉम केरला, लाइक माय फैमिली इज बेस्ड फ्रॉम केरला, बट माय मॉम गॉट मैरिड इन बॉम्बे टू माय फादर, ही वाज फ्रॉम मुंबई, एंड देन उनकी जिंदगी वैसी चली, ठीक है. तो अभी भी मतलब मेरी फैमिली पूरी बेस्ड, दे आर बेस्ड इन मुंबई, ओके. बट क्योंकि जैसे मुझे मेरी लाइफ अपने अकॉर्डिंग्स में जीनी थी, एंड एक्चुअली मैं सबसे यंगेस्ट हूँ मेरी मेरे घर में, ठीक है. और मेरे घर वाले काफी इतने भी ऑर्थोडॉक्स नहीं है, मतलब वो अपने मजे लेते हैं मजलिसों में, नमाजों में, जियारतों पे, लेकिन इतनी कभी रोक टोक मेरे लिए लगाई नहीं, बिकॉज आई हैव बीन लाइक दे रियली बॉट मी अप विद अ लॉट ऑफ लव एंड केयर, ओके. सो दे ऑलवेज लेट मी डू माई ओन थिंग, राइट. तो आफ्टर माई एजुकेशन एंड आई गॉट अ जॉब एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू लिव ऑन माई ओन, तो उन्होंने मुझे जाने भी दिया, ठीक है. नाउ यू लिसन टू मी. जब मैं एक अपार्टमेंट ढूंढ रही थी खुद के लिए, ओके, आई टेल यू, तो जैसे आपने ये बात की कि जब इंसान फर्स्ट टाइम यू नो आपकी जब जॉब स्टार्ट होने वाली है, एंड एक्चुअली आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि आपकी फैमिली आपको उतना सपोर्ट करे, नो मैटर हाउ वेल ऑफ फैमिली से आप आते हो या कुछ भी हो, ठीक है. क्योंकि एक इंसान के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है, राइट. तो एक्चुअली हुआ ये था कि ये दिस आई एम टॉकिंग अबाउट 4 years बैक, ओके. इट्स बीन 4 years, फोर एंड अ हाफ ईयर्स फॉर मी. आई हैव स्टार्टेड लिविंग ऑन माई ओन. तो जब मैं घर तलाश करने के लिए निकली, तो ऑफकोर्स आपको पता होगा कि यू नो सराउंडिंग एरियाज जो अच्छे हैं, बैंड्रा, अंधेरी, अपटिल, गोरेगांव, मलाड, यहाँ पे रेंट काफी होता है. टाउन तो आप भूल ही जाओ, राइट. हाँ राइट टाउन तो आप भूल ही जाओ, बिकॉज टाउन मोस्टली तो पॉपुलेटेड यू नो दोज मोहम्मद अली रोड एंड भाईखला एंड डोंगरी, ये तो दीज आर द मोस्ट शिटीएस्ट प्लेसेस, राइट. वो तो पूरा एक समझ जाओ आप एक कल्ट है, राइट. मतलब वो तो पूरा आप समझ जाओ कि वहां पे आप गए तो खत्म हो आप, मतलब, ठीक है. तो यू मतलब आपको सांस लेने की जगह नहीं है यार वहां पे. और वो जो इंसान मेरे जैसा इंसान, तो वो इतने मुसलमान वाले माहौल में रह के घुटी जाएगा, ठीक है. क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ, जहाँ पे रहती थी विथ माई फैमिली, तो वो एक बहुत मतलब इट वॉज लाइक ऑल कम्युनिटी, ऑल टाइप्स ऑफ हिंदू, क्रिस्टियंस, इवन ज्यूज, ओके. वहां पे ऐसा कोई ये नहीं था, बहुत लिबरल लोग थे. इट वॉज अ वेरी गुड सोसाइटी, हाई एंड. तो बेसिकली ये हुआ क्या, था मतलब वहां पे भी एक मुसलमान वाला माहौल है, आई विल टेल, जहां से गुजरना पड़ता है वो पूरा मुस्लिम एरिया है, एंड देन हमारी बिल्डिंग आती है, ओके. तो मुझे बचपन से लाइक मैं स्कूल कॉलेज जाती थी तब से बहुत सफोकेट होता था, क्योंकि आपको पता होगा ये मियां भाई के लड़के कैसे होते, स्पेशली दीज लड्डू सुन्नीस, है ना. इनका यू नो ये 14-15 साल के 7th 8th फेल हो जाते हैं, और इनके माँ बाप इनको निकाल देते, फिर ये बाइकों पे बाहर बैठते हैं. इनका ये फुल काम होता है लड़कियों चक्का को छेड़ो, ठीक है. इनका यही काम होता है लड़कियों को छेड़ो, उसके पीछा मार करो, स्कूल तक पीछा करो, घर तक पीछा करो, बस देखते रहो, ताड़ते रहो बेसिकली, ओके. एंड के ये होता था, एंड मुझे बहुत एक्चुअली अनकंफर्टेबल लगता था यू नो वो माहौल में. और जब मुझे चांस मिला कि मैं यहाँ से मूव आउट करूँ, ठीक है, तो मैंने घर की तलाश स्टार्ट की. एंड बिलीव मी साहिल, मुझे ऑप्ट करना पड़ा नवी मुंबई साइड, ओके. क्योंकि वहां पे ही मतलब अच्छे अपार्टमेंट्स है जो कम रेंट में मिल जाते हैं, मतलब जो चीज आपको वहां पे 15,000 में मिल जाएगी नवी मुंबई, वो सेम चीज आपको बॉम्बे साइड 30,000 में मिलेगी, वो भी इन अ कॉम्प्रोमाइजिंग स्टेट, राइट. जैसे वहां पे मतलब वो लोग ने अभी 100-150 साल वाली प्लानिंग की है नवी मुंबई में, तो वहां पे बिग बैल्कनी एंड एवरीथिंग. सो यू नो व्हेन यू गेट योर ओन प्लेस, आपको बैल्कनी चाहिए एंड एवरीथिंग, यू नो यू नीड स्पेस. तो बिलीव मी साहिल, मैंने ब्रोकर्स के साथ में घर देखना स्टार्ट किया, ठीक है. एंड बिकॉज ऑफ द वे हाउ आई लुक, मेरे में जरा भी कोई मुस्लिम अपियरेंस नहीं है. जैसे आप देखते अच्छा होगे कि मुसलमान औरत में कैसे वो एक मुसलमान है, वो एकदम एक स्ट्रॉन्गली वो उसके फीचर्स बोलते, या तो हाँ बुरखा हाँ है तो सही वो तो डेफिनेटली है, ठीक है. लेकिन हाँ बुरखा नहीं भी होना, तो उसके अलावा एक अजीब सी एक कुछ होता है, ठीक हाँ है, कि आपको पता चलता है कि ये लड़की औरत ये मुसलमान है, ठीक है. मुसलती है। तो वो हाँ चीज, हाँ वो चीज मेरे में से कभी आई नहीं, ठीक है. अच्छा, तो आप जब ब्रोकर्स मुसलती नहीं मिलते, लगती हो। हाँ ठीक है. सो बेसिकली अगर मैं तुमको सीरियसली बोली, तो कोई भी मुझे देख के बोलता था कि ये कैथलिक है, बिकॉज एक्चुअली हुआ क्या कि आई लव टैटूज एंड एवरीथिंग, ओके. सो आई हैव अ लॉट ऑफ टैटूज,
ओके, स्पेशली ऑन माय फिंगर्स एंड हैंड्स, ठीक है, हाँ जिसके लिए मतलब मेरे घर वाले, ठीक है, उन्होंने मतलब काफी इसके लिए रिवोल्ट किया था मेरे अगेंस्ट कि ये हराम है, ये है, वो है। मैं आपको इसकी भी एक बात बताऊंगी एंड आई विल गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट टू दिस ऑल्सो विच इज वेरी ओके इंटरेस्टिंग, ओके, जो मुझे अभी अभी पता चली है। ओके तो मेरे घर वालों ने लाइक बहुत मेरे खिलाफ अगेंस्ट बहुत बोला, ये हराम है एंड यू नो लेजर करवा दे, इस्लाम से बेदखल हो गई, ये हो गई, काफिर हो गई एंड ऑल दैट बुलशिट, ओके। एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है, जो है होएगा, थोड़े टाइम में मैं इसका लेजर करवा दूंगी, मरने से पहले मैं निकाल दूंगी ताकि यू नो मेरा गुस्सुल हो जाए एंड ऑल दैट, ओके। हाँ ऐसा मेरे दिमाग में भी था, ओके, बट या सो सॉरी यार, मैं डाइवर्ट हो रही हूँ, बट यू कोई नहीं। नो इट्स लाइक कितनी सारी बातें हैं एंड एक के बाद हाँ तो एक घर लाइक का क्या हुआ? घर का बता रही थी, प्रिसाइसली आप घर का बता रही थी। प्रिसाइसली। देखो मैं घर जब देखने गई ना, आई विल टेल हाँ यू, हाँ जब घर देखने के लिए मैं गई ना साहिल, तो ब्रोकर से जब मिल रही थी तो ब्रोकर्स मुझे बहुत अच्छे अच्छे फ्लैट्स दिखा रहे थे ना, बहुत अच्छे अच्छे अपार्टमेंट्स दिखा रहे हैं एंड दे वर लाइक हाँ मैडम ये भी हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, ठीक है। मतलब उनको मुझे देख के समझ में नहीं आ रहा ना कि मैं मुसलमान हूँ, ठीक है। और हाँ हुआ ये कि एक फ्लैट मैंने डन कर लिया, ठीक है, नवी मुंबई, ओके, एंड इट वाज नियर दिस पाम पाम बीच रोड, अरे ठीक है। पूरा बता नहीं नहीं दो घर मैं का नो प्रिसाइसली, अभी आप अपने साहिल, घर का एड्रेस बता दोगी ऐसा लग रहा है अरे मुझे। नहीं अच्छा नहीं बताऊंगी यार, मैं आई एम जस्ट टेलिंग यू, आई डोंट लिव देयर, आई एम टेलिंग आई यू, एम लिसन मोर टू वरीड अबाउट यू देन यू आर नाउ। मी, डोंट वरी, आई टोल्ड यू आई एम प्रोटेक्टेड बाय ऑल मींस, नॉट टू वरी, ठीक है। तो ओके लेट्स बेसिकली हाँ, तो हुआ क्या पता है क्या, ये सब डन हो गया, हाँ, एंड ही इज लाइक मैडम आप आज है ना 4 बजे इतना इतना एडवांस लेके आप आ जाओ, ओनर के साथ में मैंने आपकी मीटिंग सेट कर दिया। होता है ना वो ओनर आपसे मिलना तो चाहता है, ओनर बुलाया राइट जाता है फ्लैट में, आपको ओनर बताएगा फ्लैट का क्या क्या है। सो हम गए ओनर के साथ, ओनर कौन था, जैन, ओके, हाँ हिंदू जैन था वो, ठीक है। एंड ही वॉज लाइक हाँ बहुत अच्छे है मैडम ये वो, पैसे भी ले लिए। फिर ब्रोकर ने बोला अच्छा मैडम आपको जरा मुझे आपका डॉक्यूमेंट्स देके जाना, आपका आधार कार्ड और मेरे को आपका एक फोटो दे दो, मैं अग्रीमेंट आज ही बनाने के लिए डाल देता हूँ, 2 दिन में अग्रीमेंट हो जाएगा, स्टैम्प ड्यूटी कर लेंगे एंड ऑल द प्रोसेस। मैंने बोला हाँ हाँ ठीक है, मैं लाई वो आधार कार्ड। तो हम लोग गए जेरोक्स करवाने के लिए, ठीक है, एंड जैसे ही ब्रोकर ने वो हाथ में लिया, ब्रोकर हिंदू था, उसने बोला अरे मैडम आप मुसलमान हैं, बताया नहीं आपने। एक्चुअली मेरा नाम जो है जहरा, तो मोस्टली जो नॉन मुस्लिम्स होते हैं वो प्रोनाउंस नहीं कर पाते, वो जारा बोल देते हैं, ठीक है। तो जारा जो नाम है वो बहुत पंजाबी में कॉमन है। सिंधी में भी हाँ ये रहता है नाम जारा, एक्चुअली आजकल कैथलिक में भी ये नाम रखते हैं, इट्स अ हाँ वेरी हाँ कॉमन नेम। कॉमन हो गया है। तो हाँ उनको लगा जारा जारा, तो और मुझे भी आदत है सुनने की कि मैं जब जहरा बोलती हूँ तो लोग बोलते हैं जारा जारा, तो यू नो इट्स लाइक दैट। उसने बोला अरे मैडम आप मुसलमान हो, मतलब उसने मेरा सरनेम देख के पता लगाया, ठीक है, और जो आधार कार्ड पे मेरी फोटो है साहिल वो एक स्काफ में है, क्योंकि आधार कार्ड अरे तो तभी, ओके, आधार कार्ड तो तभी जब मैं 11-12 साल की थी तभी हुआ था, राइट। तो बेसिकली तभी तो मैं खुद भी स्काफ और हिजाब, नामहरम मुझे नहीं देखना चाहिए, नामहरम की नजर अगर मुझ पे पड़ी तो ये गुनाह मुझ पे है, यू नो ये सब ख्यालात मेरे भी थे, बिलीव मी। एंड देन उसने देख लिया, पहले तो फोटो देखा और फिर नाम का सरनेम देखा, एंड ही वाज लाइक मैडम आप मोमेडियन है। मैंने बोला हाँ, ये तो आपको नहीं मिल सकता है, ये क्या। उसने बोला आपको यहाँ पे किधर भी नहीं मिल सकता, पूरे पाम बीच रोड पे आपको पर्सनली देख के निकालना पड़ेगा खुद से, कि अगर कोई मुसलमान ओनर है वो आपको पर्सनली देना चाहता है तो ही आपको अपार्टमेंट मिलेगा, नहीं तो आप भूल जाइए, क्योंकि साहिल इफ यू नो दैट नवी मुंबई मोस्टली इट्स अ हिंदू पॉपुलेटेड एरिया, राइट हाँ वाशी एंड ऑल दीज नहीं, प्लेसेस, राइट। उसमें भी स्पेसिफिक एरियाज है जहां पे आपको ये जैसा आप मुस्लिम्स मिल जाएंगे, कुछ कुछ स्पेसिफिक मुस्लिम एरियाज में। मिलेंगे सारे, लेकिन आपको कहाँ पे मिलेंगे पता है, वापस, मतलब अगर आप मुस्लिम हो तो आप एसोसिएटेड हो रहने के लिए गंदी, वो गंदे एरियाज में, ठीक है, जहाँ पे खिड़कियों पे वो चिंदियां लटकाई जाती है, हड्डियां खा के डायरेक्ट वो
हड्डे और हड्डियां खा के डायरेक्ट वो खिड़कियों से बाहर फेंके जाते हैं, ठीक है, थीके? हाँ, वो खिड़की के नीचे आपको गटर दिखेगी, तो आपको वहां रहना है, ठीक है, जहाँ पे एक बड़ी रूम बड़ी किचन है, सोसाइटी में नहीं मिलेंगे। एग्जैक्टली, जहाँ पे एक रूम किचन है, आई एम डिस्क्राइबिंग इट टू यू ना, एक रूम किचन है, वहां पे हाँ, पूरा पर्दा लगा धोबी के बोल माँ रही बाप है। भी सो रहे हैं, ठीक है, और हस्बैंड वाइफ भी सो रहे हैं, और चार बच्चे भी सो रहे हैं, और एक पेट में भी है, एक आने वाला है, ठीक है, तो हाँ आपको बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा ऐसे एरिया में रहने के लिए, ठीक है, विच इज हाँ राइट कम्प्लीटली नॉट एक्सेप्टेबल बाय पर्सन लाइक मी, लाइक पर्सनली मैं बता रही हूँ, ठीक है, और बहुत भी लोग होंगे मेरे जैसे, बट पर्सनली आई नेवर वॉन्टेड टू लिव लाइक दैट। ये एरियाज मैं आपको बता रही हूँ, लाइक खारगर, तलोजा साइड है ना, ये वो साइड के एरियाज हो गए, बट आप प्राइम एरियाज जैसे वाशिका हो गया, सेक्टर नंबर 17, पाम बीच रोड, आपको यहाँ पे तो आपकी कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है भाई, आपको ओल्ड पनवेल यहाँ पे जाना पड़ेगा। हाँ ओके, सो बेसिकली ये इतना मेरा गंदा एक्सपीरियंस था साजिल, आई कांट टेल यू, मिला एंड क्या, नहीं देन मिला फिर घर आपको उधर? नहीं मिला साहिल, यू नो व्हाट, नहीं मिला, एंड साहिल द वेरी रीजन, यू नो आई एम लिविंग इन अ डिफरेंट सिटी, आई एम लिविंग इन महाराष्ट्र ओनली, बट आई एम लिविंग इन अ अच्छा, डिफरेंट सिटी, कैन यू अरे इमेजिन, रे 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 रे, जगह ही छोड़ के मुझे एक जानी पड़ी अलग आपको। सिटी में रहना पड़ रहा है जो एक प्राइम एरिया है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई फंडा नहीं है, यहाँ पे ऐसा ठीक है, आप आपकी औकात है इतना रेंट भरने की, इतना सिक्योरिटी अमाउंट भरने की, तो आप आओ रहो, और इसमें भी शोर शराबा, मतलब यहाँ पे एक अलग फंडा है, लाइक यू नो डोंट मेक नॉइज एंड डोंट पार्टी लाउड एंड ऑल दैट, यहाँ पे रिलीजन वाला कोई चक्कर ही नहीं है, हाँ क्योंकि यहाँ पे पहले से ऐसा कोई कल्चर रहा नहीं कि वैसे वाले मियाँ भाई आए और रहे, क्योंकि वो नहीं रह पाते इस माहौल में, ये माहौल सही। बहुत अलग है, गॉट इट, तो आई हैड टू चूज दिस प्लेस, इमेजिन ऑल द वे लाइक 3 to 4 hours फ्रॉम माई मॉम्स प्लेस, एंड यू नो आई एम लिविंग सो फार, क्योंकि मतलब यार, मतलब मैं पर्सनली बताऊ तो मैं नहीं उसको झेल सकती, आई कांट बेयर द साइट ऑफ यू नो मुस्लिम, अगर मेरे को वो टोपी वाले बंदे दिख भी जाए, बिलीव मी, इट रियली सफोकेट्स मी, यार, तो ये जहरा जी ने प्रिसाइसली आज पूरी बैंड बजा दी, पूरे धोती खोल दी है। ओके बट वी आर हैप्पी जहरा जी कि आप इस झंझाल से और इस पूरे माहौल से आप निकल चुकी है, एंड यू आर लिविंग अ गुड लाइफ विथ योर पार्टनर, बिल्कुल बिल्कुल यू आर बिल्कुल, नो आई हैप्पी, एम वी नॉट आर लिविंग हैप्पी। विथ माय पार्टनर, वी लिव एट ईच अदर्स रिस्पेक्टिव प्लेसेस, बट या आई एम इन टच, लाइक आई एम इन अ रिलेशनशिप विद अ गाय हुज अ सनातनी आई वुड से, लेकिन बिलीव मी यू नो साहिल, मतलब इट्स नॉट अबाउट, जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, क्वालिटीज जो मैंने देखी है प्रिसाइसली इन सनातनी, क्योंकि अपना जो इंडिया है मोस्टली तो इट इज पॉपुलेटेड बाय सनातन, लाइक ये तो कल्चर है हमारा, ठीक है, एंड एक्चुअली राइट मैं बहुत हंस रही थी इस बात पे भी, साहिल व्हेन दिस पर्सन कॉल्ड सूफी, ही सूफी और आई डोंट नो समवन एल्स हू सेड के हाँ हाँ सूफी, मैं अपना प्रोजेनी दिखा सकता हूँ कि हो सकता है हम मुसलमान, अरे पॉसिबल ही नहीं है, इंडिया में जितने मुसलमान रह रहे हैं उनकी प्रोजेनी हो ही नहीं सकती कि वो किसी मुसलमान से ही आए हैं, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, इट्स सही नॉट बात है। पॉसिबल, हर मुसलमान इंडिया का कन्वर्टेड ही है, दिस इज एज अ फैक्ट, इट्स नॉट पॉसिबल ऑन साइंटिफिक बेसिस, मिस्टिक बेसिस, एनी बेसिस यू से एनी, सही है यार, सो मैं कहूंगा कि जहरा जी के लिए प्रिसाइसली आप लोगों ने एक एक गुलाब का फूल, दो दो भी बेच सकते हैं और पूरा गुलदस्ता भी बेच सकते हैं, लेकिन आपने एकदम प्रिसाइसली गुलाब का ही फूल भेजना है। दूसरा फूल भेजेंगे तो हम कबूल नहीं करेंगे, इतनी जबरदस्त है हमारी जहरा जी, और बड़े जबरदस्त तरीके से, और लाला साहिल जी भाई की भी एंट्री हुई। प्रिसाइसली वो मुझे जरा थोड़ा सा आपने एकदम प्रिसाइस टाइम पे एंट्री मारी एडन साहब। बिल्कुल बिल्कुल मैं सुन रहा था, लेकिन मुझे अभी अभी मैं बीच में बड़ा गायब हो गया, मिस हो गया आपके फ्लावर्स से पहले वाली सारी बातें नहीं सुनी, तो मुझे रिवाइंड करके बताएं क्या इन्होंने इस्लाम छोड़ दिया या चक्कर क्या है, मुझे थोड़ा सा समरी देने 2 लाइनों की। जाने दीजिए, वो बोलने की जरूरत नहीं है, लोगों ने सुन लिया, देख लिया, उन्होंने ऊपर से लेके नीचे तक पूरी धोती खोल दी है। अरे यार मैं मौजूद गुलाब। नहीं था यार, आई एम सो सॉरी यार, आई हैड टू गो एट अ वेरी रॉन्ग टाइम, मुझे अब रिवाइंड करके सुनना पड़ेगा, दैट्स जस्ट सो बैड, बहुत अच्छा उन्होंने बोला, बहुत बहुत जबरदस्त बोला उन्होंने।